जिले में आजादी के समय से लेकर आज तक कई गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। खास बात यह है कि शासन प्रशासन द्वारा मुक्तिधाम बनाने को लेकर कई सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ताजा मामला उमरी से सामने आया, जहां प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। जब शव को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम ले जा रहे थे तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दलदल भरे हुए पानी के बीच कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण और परिजन शव को लेकर मुक्तिधाम पहुंचे, जहां पर मुक्तिधाम तालाब में तब्दील नजर आ रहा था। चारों ओर गंदगी का अंबार था, गंदगी के बीच अंतिम संस्कार करना पड़ा। इससे पहले ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस संबंध में उमरी पंचायत के सरपंच वीरेंद्र यादव और जिला पंचायत पति का कहना है कि इस संबंध में जनपद से लेकर जिला पंचायत सीईओ तक को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं विधायक संजीव सिंह ने कहा कि जल्द ही उमरी पंचायत के सभी गांव में सड़क और टीन शेड का निर्माण कराया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों को समस्या से कब निजात मिलेगी। यहाँ भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कोई कह रहा था नदी ले चलो, कोई कह रहा था वहां ले चलो, कोई कह रहा था रोड पे हाईवे पे खड़े करके कर दो। तो जैसे तैसे उन्हें समझा दे के हम यहाँ लेके आए और उन्होंने वादा किया कि 15 दिन या 20 दिन में पानी का जैसे बंद होता है वैसे निश्चित तौर पर इस पर समाधान करने का पूरे प्रयास किया जाएगा। हमारे सरपंच साहब पुनू यादव जी आए थे, साथ में हम भी सभी लोग आए थे। देखा तो बहुत स्थिति यहाँ खराब थी। उसके बाद मैंने माननीय विधायक जी से भी बात रखी उनके सामने जाके, तो विधायक जी ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, आप 15-20 दिन में हम जहां तक बने वहां तक व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने मोतीपुरा और देवड़ को मंजूर भी गेवत को मंजूर भी करवा दिए उनके, और वो जल्दी शीघ्र काम चालू होगा। उसके बाद जनपद सीओ को मैं अपने साथ में यहाँ पे लेके आया था, मेरे साथ में सरपंच साहब भी थे, तो उनको भी मैंने दिखाया तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि 15-20 दिन में जल्दी से जल्दी ये काम करवा देंगे पूरा।